Hey, I am Urdhavendra sir from DSL Institute, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. मेरे प्यारे दोस्त, बहुत दिन से बच्चों का डिमांड है कि सर बहुत कुछ पढ़ता हूँ, बहुत कुछ लिखता हूँ, बट अंग्रेजी बोल नहीं पाता. तो मैं आज आपको ऐसा टिप दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको जबरदस्ती अंग्रेजी बोलना आ जाएगा. जो सोचोगे बोलना आ जाएगा, जो चाहोगे करना आ जाएगा, बस आज और अभी इसी टिप के माध्यम से. जैसे हमने कहा V1 और एक कहा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जैसे बोलते हो गो और यहां आपने कहा गोज, जैसे बोलते हो इट आपने बोला इट्स, तो ये V1 है, ये V5 है. इसे कहना तुम प्लूरल, इसे कहना तुम सिंगुलर, ये बस इसे तुम संभाल के रखो कि V1 होता है प्लूरल और V5 होता है सिंगुलर. बस इतना काम संभाल के रखो, आगे देखो इसका क्या काम आना है. एक एक पार्ट बस आप सीखते चलो आराम आराम से. हमने लिखा सब्जेक्ट, हमने लिखा वर्ब, वर्ब का V1 या फिर लिखा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और अदर वर्ड लिखा. अब इसके माध्यम से प्लस यहां पे हमने लिख दिया WH. WH का मतलब करा व्हाट, WH का मतलब करा व्हेन, हमने यहां पे करा व्हाई, हमने करा हाउ, हमने करा यहां पे वेयर. इसके बाद आपको जो मन करता हो, तुम्हें मन करता हो प्रेजेंट टेंस बोलने का बोलो, तुम्हें मन करता है पास्ट टेंस बोलने का बोलो, तुम्हें मन करता है फ्यूचर टेंस बोलने का बोलो. क्योंकि जब भी हम अंग्रेजी बोलते हैं ना, जब भी अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं ना, तो सिंगल क्लाउज में नहीं बोलते, हमेशा क्या बोलते हैं, डबल क्लाउज में बोलते हैं. अंग्रेजी कभी भी बोलने का मौका मिलता है तो रटंत करके नहीं बोलते, रट्टा नहीं मारते कि मैं आ रहा हूं आई एम कमिंग, तुम जा रहे हो आई एम गोइंग, ऐसे अंग्रेजी बोला नहीं जाता. अंग्रेजी बोलने के लिए हमें चाहिए पूरा का पूरा क्लाउज, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा टेंस, पूरा का पूरा सेंटेंस. तो मैं आपको एक ही टिप दे रहा हूं, मात्र एक टिप देखो और अंग्रेजी बोलना तुम्हें आ जाएगा आज से. जैसे हमने कहा मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है, मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या था, मुझे पता था तुम्हारा नाम क्या होगा, मुझे मैं जानता हूं तुम कहां रहते हो, मैं जानता हूं तुम कहां रहते थे, मैं जानता हूं तुम कहां रहोगे, मुझे पता है तुम कहां खेलते हो, मुझे पता है तुम कहां नहीं खेलते हो, मुझे पता है तुम कहां खेलते थे, मुझे पता है तुम कहां खेलोगे. इस माध्यम पर, इसी स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में किसी भी टेंस से बोल सकते हो. बस इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखो, वो होगा सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड. किसी भी टेंस में हो सकता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जो भी वर्ब लगाना हो आप लगाओ और बोलो अंग्रेजी. बस एक गलती मत करना, और वो गलती क्या है, ये हमेशा सही होगा, गलती है कि इसके बाद एक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग मत करना, वर्ब जानने का प्रयास करना. तो मुझे बताओ इसको आपने कॉपी कर लिया, समझ लिया, अब मैं आपको संदेश दे रहा हूं जो आप जानने का प्रयास करना. ये हुआ WH फैमिली, इसको आप आराम से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बड़े आराम से. अब मैं इस पर हजारों सेंटेंस मैं तुमसे आज और अभी बुलवा रहा हूं, लिखवा रहा हूं. SSC में इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे एक बोलने के क्रम में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. तो हमने क्या करा, एक सेंटेंस लिखा, मुझे नहीं पता कि तुम कहां रहते हो, मुझे नहीं पता कि तुम कहां रहते थे, मुझे नहीं पता कि तुम कहां रहोगे. अब ये सेंटेंस दिया, अब तीन तरह के रहते हो प्रेजेंट, रहते थे पास्ट, रहोगे फ्यूचर. अब इसे बोलने का प्रयास करना है. तो हमने कहा मुझे नहीं पता, इतना तो ज्ञान है प्रेजेंट टेंस की बात, तो मुझे नहीं पता हमने बोला आई डोंट नो. मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, राइट. अब की तो आई डोंट नो, अब तुम कहां रहते हो, तो की का अंग्रेजी यहां पे नहीं बनाना है. मुझे नहीं पता कि तुम कहां रहते हो, अब सेंटेंस तुम कहां रहते हो गया इंट्रोगेटिव, तो कहां रहते हो, अब दो रास्ता है, हमने बना दिया वेयर डू यू लिव. अब ये सेंटेंस हो गया गलत, क्योंकि वेयर के बाद मना किया था ना कि डू का प्रयोग नहीं करना, तो सही क्या होगा, आई डोंट नो वेयर यू लिव. अब ये सेंटेंस राइट हो गया, I don't know where you live. I don't know where you live. ये सही हो संदेश. अब संदेश मान लो मुझे नहीं पता कि तुम कहां रहते थे, हमने बोला I don't know. I don't know. मुझे नहीं पता तुम कहां रहते थे. Where did you live? ये गलत हो गया. अब did को उड़ा दिया,
अब सेंटेंस सही हो गया, तो लिव करना पड़ेगा, पास्ट है तो वेयर यू लिव नहीं, क्या करेंगे, लिव्ड, अब सेंटेंस राइट हो गया, तो आई डोंट नो वेयर यू लिव्ड, क्लियर। अब देखो कितना मजा आ रहा है, तो जब भी ये वेयर का प्रयोग आप कंजंक्शन के लिए करेंगे तो हमेशा क्या आएगा बच्चे, सब्जेक्ट आएगा, इसको ध्यान रखना है। जब भी वेयर, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, जब भी सेंटेंस में क्या आ जाए, कंजंक्शन के रूप में आ जाए, सेंटेंस के जोड़ने के लिए आ जाए, तो कभी भी इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब बोलो अंग्रेजी, लिखो अंग्रेजी और बनाओ क्वेश्चन, सब बनेगा, ये मेरा वादा है। और देखो हमने कहा आई डोंट नो वेयर, वेयर, अब देखो कहां रहोगे, तो वेयर यू विल लिव, अब ये सही हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं वेयर विल यू लिव तो गलत हो जाता, आई डोंट नो वेयर विल यू लिव, गलत, वेयर यू विल लिव। अब मैं कहता क्या हूं वो आप समझिए, मैं चाहता हूं कि जितना सेंटेंस आप चाहो, हमने लिख करके आपको दिखाया, करके दिखाया, अब मैं बोल कर दिखाता हूं आपको स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस अदर वर्ड, यहां पर हमने बीच में क्या किया, डब्ल्यू एस जोड़ा, इसके बाद हमने किया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये हो सकता है प्रेजेंट, ये हो सकता है पास्ट, और ये हो सकता है तुम्हारा फ्यूचर। तो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हमने कहा मुझे पता है तुम क्या खाते हो, मुझे पता है, आई नो, तुम क्या खाते हो, व्हाट, व्हाट डू यू ईट, गलत हो गया, मुझे पता है, आई नो व्हाट यू ईट, मुझे पता है व्हाट यू ईट, मुझे पता है, आई नो व्हाट यू ईट, आई नो व्हाट यू एट, आई नोट, आई नो व्हाट यू विल ईट, यानी इसके बाद हमेशा क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट चाहिए, इसको ध्यान रखना, सेंटेंस कभी गलती नहीं होगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वह कब आती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वह कब आती थी, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वह कब आएगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई डोंट हैव एनी आइडिया, व्हेन सी कम्स हियर, व्हेन सी कम्स हियर, आई हैव नो एनी, आई डोंट हैव एनी आइडिया, व्हेन सी came here, I don't have any idea when she will come here, right? वो कब आएगी मुझे नहीं पता, when she will come, I don't know, I have no idea। तो जितना sentence चाहो उतना लिखो, बस शर्त क्या रखो, present भी हो, past भी हो, future भी हो, शर्त क्या रखो कि हमेशा क्या होना चाहिए, subject। अब आप बोल पाओगे, मैं और बोल के दिखाऊं, हमने कहा क्या तुम्हें पता है कि वह कहां रहता है, do you know where He lives, where does he live, नहीं where he lives, I hope समझ में आ रहा होगा, where he lives, मुझे पता है, I know where he lived, मुझे पता है वो कहां रहेगा, I know where he will live, क्लियर। इस तरह से आप जितने सेंटेंस चाहें उतने सेंटेंस बोलें, जो मन करता हो वो बोले, अंग्रेजी बस बोलने का प्रयास करें, मेरा प्रयास है आपको अंग्रेजी बुलवाना और आपका प्रयास है बोलना, इस एक टिप के माध्यम से अपने मुंह तो खोलो, बस बोलने का प्रयास तो करो, वो कैप तो डालो, बस देखो अंग्रेजी कैसा आता है। और देख इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को पूरे भारत में फिर से एक बार फैलाने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।